हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब, मैं हूँ अभी मुंबई में और मेरे साथ हैं इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शादाब भाई, खैरियत से हैं इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई, अभी भोपाल में तो अपन ने खूब वीडियो बनाई है और आज माशाल्लाह अपन मुंबई के अंदर भी वीडियो बना रहे हैं, तो बताएं कैसे आना हुआ मुंबई अभी? बस शादाब भाई, आपको मालूम ही है बिज़नेस काम के सिलसिले में आना रहता ही है और ये तो आखिरी टाइम है तो आना ही था, ये बकरे भी आना थे जी, और आप ज़रा ज़्यादा मसरूफ़ थे तो भोपाल में अपन बकरों की वीडियो बना भी नहीं पाए थे। सही है, तो इसीलिए मुंबई में आके तो बन रही है। सोचा अभी आप मुंबई में है तो मुंबई में पकड़ लें आपको। सही है, इत्तेफाक है और माशाल्लाह वीडियो बनेगी, आगे पब्लिक को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि वीडियो के अंदर जो अपन बकरे दिखाएंगे, जैसे बकरे पब्लिक बहुत पसंद करती है जी शादाब भाई। और जैसे कि फेस भाई हैं अपने? जी, अपने फेस भाई हैं, मिल्लत नगर वाले। जी हाँ जी, फरहान भाई हैं अपने। जी जी, ये सब जुड़े हुए लोग हैं और बहुत फेमस पर्सनालिटी आप साथ लेके घूम रहे हैं दुनिया में, मतलब ये बोलूँगा बकरा इंडस्ट्री के अंदर कौन भाई को नहीं पहचानता। नुमान भाई उर्फ अपना नाम बता दें आप, लकब? नुमान चुस्पा। चुस्पा भाई, ज़्यादातर पब्लिक इसके नाम से जानती है इनको। और भाई कम से कम 3 दिन से हमारी बात चालू थी कि आप कब आओगे, नुमान भाई कॉल कर रहे थे, मतलब वीडियो बनवाने के लिए इतना एक्साइटमेंट देखा मैंने नुमान भाई का, तो मेरा भी बहुत मन हुआ कि नहीं भाई वीडियो तो मुझे बनाना ही है नुमान भाई को लेके साथ में। अभी शादाब भाई ऐसा है कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी लोगों की मतलब ख्वाहिश होती है कि आपके चैनल पे आना। वो आपकी बात ठीक है लेकिन भाई कुछ लोगों के साथ मेरा भी दिल ऐसा है कि भाई मुझे बनाना है इनके साथ वीडियो, तो वैसी एक नाम नुमान भाई का भी है माशाल्लाह। 2-3 बार मिस हो गए आपकी वजह से, खास तौर पे मतलब रत्नागिरी से नुमान भाई बॉम्बे आए, आपका सुन के शादाब भाई आ रहे हैं तो बिल्कुल जाने ही है वीडियो बनवाने। इंशाल्लाह, चलिए अभी पहले बकरे देखते हैं फिर आगे की चर्चा करते हैं। फैज भाई और फरहान भाई के, फैज भाई और फरहान भाई के बकरे हैं जो अपन अभी देख रहे हैं। आपने सोल्ड आउट कर दिए? हाँ शादाब भाई, ये अपन ने भोपाल से परचेस किए थे। ओके, आप तो जानते हैं अपने बहुत फेमस हैं इमरान भाई एयरपोर्ट वाले। हाँ हाँ, इमरान भाई का ये बकरा था और अपने शब्बू भाई ने इसको तैयार किया, ये जो चीना यही वाला बकरा था भाई, इसको थोड़ा आगे लेके आओ, ये जो चीना बकरा है ये बकरा इमरान भाई एयरपोर्ट के पास से आया था जी, मैंने उनसे इसको खरीदा, तो शब्बू भाई ने इसको तैयार किया, उसके बाद मैंने इसको सेल किया। अपना फरहान भाई और फैज भाई हैं, उनको काफी टाइम से 15 साल से साथ में हम लोग रहते हैं जी जी, तो उनको पसंद आया तो मैंने कुर्बानी के लिए दिया बकरा। ये माशाल्लाह फैज भाई के कुर्बानी के बकरे हैं ना जी, इसमें ये वाला जो बकरा है ये फैज भाई के कुर्बान ही होगा और ये फरहान भाई के कुर्बानी, ये फरहान भाई का है माशाल्लाह। तो बकरे का कुछ नाम रखा है आपने? कार्लोस। कार्लोस रखा है, बहुत बढ़िया। आपने रखा नाम? मशवरा करके रखा है। ठीक है, और डिटेल बता दो बकरे की, डिटेल क्या है? शादाब भाई, बकरे की जो हाइट है 42 है। ओके, बकरा दांत तो अभी आर्ट किया है, बकरे का वजन 160 किलो वजन है बकरे का, 160 और वजन किया हुआ है कांटे पे, 160 किलो 160। वाह भाई माशाल्लाह, फिर जिस हिसाब से बकरा ठोस दिख रहा है ना तो लग ही रहा है वो मक्की चीना में ऐसा आया है। मकरा कलर भाई डिफरेंट है मक्की चीना में तो नहीं आया। हाँ, इतना भारी बकरा नहीं आया, आते हैं हल्के बकरे तो बहुत देखे, बहुत ऐसा व्हाइट ब्लैक तो काफी आए, और ऊपर से चीना में तो नहीं आएगा। सही है, लेकिन एक चीज बहुत खास दिख रही है बकरे के अंदर कि बकरा बहुत गर्म दिख रहा है। गर्म भी है शादाब भाई, खेल सकते हो थोड़ा? माशाल्लाह, आप खेलो नुमान भाई, बहुत एक्टिव है, मैं खेल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। दिखाओ माइक नुमान भाई को दे दो, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। आ जाओ नुमान भाई इधर और इनको खेलने दो अभी, मतलब मक्की चीना में तोड़नी है भाई। हाँ माशाल्लाह, अभी हो सकता है बकरों को देख के भी वो बकरों के पास जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है भाई, तो कितने टाइम पहले बेचा आप लोगों ने भाई? बकरा जो अपना यहाँ बॉम्बे मिल्लत नगर आया है, इसको अभी आए हुए कुछ 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ता अभी हुआ है, लेकिन इमरान भाई से जो अपन ने इसको खरीदा था उसको करीब 1 महीने पहले अपन ने ले लिया था। अच्छा, 1 से 1.5 महीने पहले। हाँ हाँ, उन्हीं का आप तो जानते हैं कि भोपाल में जो सौदे होते हैं अपने, वो सब ऐसे होते हैं कि बकरा इतना ही बकरा उठता है। सही है, तो इससे 10 दिन पहले बकरा उठा है और 8 दिन पहले बकरा यहाँ आया है, तो बकरा लगा के दिखाना चाहिए पब्लिक को। नहीं, अच्छी चीज़ है भाई, शौक होगा कम से कम पब्लिक का। आप ये बताओ कि कीमत बताओगे वीडियो में कितने का दिया कुर्बानी के? शादाब भाई, अभी जो मतलब जिन्होंने बकरा लिया है अपन तो खाली नाम ले रहे हैं, उन्होंने तो नाम के लिए भी मना किया था कि भाई हम लोगों के नाम मत लो, परमिशन दे दी है, बड़ी बात। वो साथ में मतलब खड़ा होना भी उनको पसंद नहीं है। सही है भाई, कुर्बानी कर रहा है तो मतलब अपना है वो,
सबका अपना अपना शौक होता है, सबका अपना जीने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, एक बार बकरे को घुमा के दिखाओ भाई। किशन भाई जरा घुमा के दिखाओ बकरे को। बकरे को अच्छे से घुमा के, हाँ सीना ही कैप्चर करना चाह रहा हूँ, आपने बोला ना। एक तो माशाल्लाह वेट इतना हो गया बकरे का, बहुत बढ़िया भाई। तो ठीक है इरफान भाई, ये बकरा अपन ने देख लिया, इसके बाद इस बकरे के ऊपर आते हैं। सबसे पहले नाम तो शुरुआत करो। पठान। पठान, देखो सबके नाम याद है नोमान भाई को। आपको ना अपने नोमान भाई बताएंगे। नोमान भाई फेवरेट बकरा, बकरे का नाम पठान है। खूबसूरती देखो ना कितना है, खूबसूरती में माशाल्लाह तोड़ नहीं है इसका, बहुत खूबसूरत है। और हाइट कितनी है बकरे की? 39 की हाइट है। वेट में कितना आ जाएगा? 140 प्लस। अच्छा ये अपन वेट जो बता रहे हैं अंदाज से बता रहे हैं, चेक किया है? वेट चेक किया हुआ है। और दांतों में कितना हो गया ये? दांत इसके कितने? 8 दांत हो गया। देखो ना कितना बाल। तो नोमान भाई आपने बकरा फर्स्ट टाइम देखा है या पहले से देखते हुए आ रहा है उस बकरे को? नोमान भाई ने वीडियो में देखा था बकरा। अच्छा लाइव नहीं देखा था, लेकिन नोमान वीडियो में देखने में और लाइव देखने में क्या फर्क दिखा? बहुत फर्क दिखा। क्या फर्क वो बताओ ना आप, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब बड़ा दिखा बकरा छोटा दिखा? लाइव में बड़ा दिख रहा है, लाइव देखने में फर्क आता है। सही है, खूबसूरत देखो ना। तो ये फैज भाई अभी 2024 की ईद में कुर्बानी करने वाले, इंशाल्लाह 2024 की कुर्बानी करेंगे फैज भाई। देखो ना बहुत शानदार चीज है ये है, मुझे लग रहा है खेलने वाला बकरा। घुमा कर इसको, खेलो ना भाई, आप ही खेलो, आप रेंदो नोमान भाई मारे नहीं यार वो, माशाल्लाह। अच्छा इरफान भाई जो चेहरे के ऊपर पैच आए हैं वाइट, इसकी वजह से और खूबसूरत लग रहा है ना बकरा भाई। माशाल्लाह बकरे तो बहुत बढ़िया हैं। अभी एक सीन अपन ने मिस कर दिया, बंदे को घसीट के ले गया था बकरा। और इरफान भाई 15-16 साल से वो बात पूरी नहीं हो पाई थी जी शरद भाई, इतने लंबे टाइम से आप कोटा बकरे में काम कर रहे हो, ये बकरे के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी शादा भाई के हिसाब से? इस बकरे में मैं आपको बताऊं ना, इस बकरे के अंदर जो है अच्छी क्वालिटी, मतलब बकरे में होना चाहिए वो सारी क्वालिटी बकरे के अंदर है शादा भाई। जैसे कि लम, सबसे ज़्यादा बकरे का लेंथ बहुत अच्छी है, बकरे की चौड़ाई, बकरे का कलर जो सबसे ज्यादा आपको मालूम है जो ट्रेंडिंग कलर है वाइट, वो है बकरे का चेहरा है, मतलब बकरे के अंदर लगभग सारी खूबी है। और अभी क्या इतना टाइट पकड़ना पड़ रहा है ना उसको भाई, कि सही से समझ में नहीं आता बकरा कभी कभी। मैं अभी आपको बकरा घुमा के दिखाता हूँ। ये बकरा भी अपन ने भोपाल से परचेस किया था, ठीक है, अपने नसीम भाई। अभी इसको हुआ ये कुछ हमने ना रमजानों से पहले ले लिया था। अच्छा, 3 महीने पहले बकरे का सौदा मैंने किया था, ठीक है, नसीम भाई से। और इसको तैयार जो किया है ना, ये हमारे जो किशन भाई हैं जिन्होंने बकरे को पकड़ा हुआ है, भोपाल से ही आए ना? हाँ, बकरे के साथ स्पेशल खास तौर पे बकरे के साथ आए शरद भाई, और इन्होंने किशन भाई ने इस बकरे को तैयार किया है, बहुत बढ़िया। इनके हाथ पे सेट है तो मैंने कहा अभी आप ही चलो भाई। सबसे अच्छी बात है बकरा टूटता है भाई हाथ चेंज होने से। मैंने कहा भैया बकरा कुर्बानी हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बुला लूंगा भोपाल, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन साथ में चलो। सही है, तो ये मेरा बहुत पसंद का बकरा भी है। जरा घुमा के दिखाओ किशन भाई, जरा इसको बकरे को घुमाओ उसको थोड़ा, बहुत खूबसूरत जानवर है जिसको कैमरे में भी भाई बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। खास तौर से उसका जो फेस है ना बहुत ब्यूटीफुल है, वो फरी है, बाल देखो ना ज्यादा माशाल्लाह भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है इरफान भाई, ये दो बड़े बकरे अपन ने अभी देखे, अब एक बकरा छोटा बचा है थोड़ा भाई। अगर ये बकरा मेरे हिसाब से अगर 42 हाइट होती ना, हाँ, तो मेरे ख्याल से ये बकरा है ना इस साल का सबसे बेस्ट बकरों की, हाँ, थोड़ा मतलब हाइट से ही है मसला, 39 हाइट, अगर इसकी 2 इंच हाइट तो सारी क्वालिटीज बकरे में बहुत ज्यादा भाई। ठीक है भाई, एक बकरा और बचा है उसे भी ले आओ आगे। अभी इरफान भाई ये बताओ कि इस बकरे को इतना जोर जबरदस्ती से क्यों पकड़े हुए हो शादाब भाई? अभी क्या ये बंदा जो है ना हमारे भाई है ना, ये नए है बकरे के मामले में। अच्छा, ये तो मैं आपसे इनसे ये कहता कि बकरे को जरा छोड़ के दिखाओ, इसको छोड़ना जरा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बकरा किसका है भाई? ये बकरा भी अपन ने फैज भाई को दिया है। फैज भाई को ही दिया है अपने, जाबिर भाई है। अच्छा, जाबिर भाई को दिया है, फैज भाई के भाई है, कजन भाई, उनको बकरा दिया है मिल्लत नगर में। ठीक है, डिटेल क्या है बकरे की? इसकी 39 की हाइट है, ओके, 6 दांत है, 135 किलो बकरा है माशाल्लाह। और ये कुर्बानी हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको साथ खेल के नहीं दिखा सकते आप? मैं कोशिश करता हूँ, आप कर लो कोशिश। नोमान भाई इसको माइक संभालो जरा, खाली रस्सी पकड़ो उसकी और फिर खेलो उसके साथ में। वो बकरों के चक्कर में ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है, कितना डर रहा हो यार नोमान भाई। अरे बकराईद भी करनी है, है? मेरे डबल ट्रिपल टाइप के बकरे हैं भाई। माशाल्लाह भाई बकरा तो बहुत अच्छा है। ठीक है भाई पकड़ लो,
सुमन भाई माशाल्लाह तीनों बकरे जो हैं एक नंबर क्वालिटी के अंदर है। भाई के चॉइस ही अच्छी रहती है। हाँ भाई अभी पुराना काम करने वाले हैं कोटा के अंदर, तो बात ही अलग है उनकी। फुल काली काली इरफान भाई और रिजवान भाई से ही बकरे लेते हैं। सही है, भोपाल में बहुत पुराने। सही है, आप तो जानते हो। बिल्कुल मेरे साथ के हैं भाई, कोटा नाम देने वाले ये भाई। हम दोनों साथ में मिलके बकरे बेचते थे हम लोग वो टाइम पे साथ में। कोटा नाम देने वाले यही है रिजवान भाई और इरफान भाई। शादा भाई हम लोगों का तो बहुत लंबे अरसे तक साथ में रहा है, आगे भी साथ में रहे हैं। तो इरफान भाई मैं आपसे ये कहता हूँ कि फैज भाई तो नहीं आ पाए, लेकिन फैज भाई के जो छोटे भाई हैं सज्जाद भाई वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, वो भी इन्होंने जो बकरे लिए हैं मुझसे लेने के बाद इनको कैसा लगा जरा पूछे। रिव्यू ले लेते हैं इनसे। जी बिल्कुल। क्या नाम है भाई आपका? सज्जाद भाई नाम है। सज्जाद भाई आप ही दीजिए रिव्यू खुद अपने आप से। अलहमदुलिल्लाह भाई सालों से इरफान भाई से बकरे ले रहे हैं, एक भी बकरा ऐसा नहीं है कि खूबसूरत या गर्म ना हो, सब बकरे अलहमदुल्ला माशाल्लाह अपने टेस्ट किए थे भाई। सही है, चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफिज़ भाई लोग। अल्लाह हाफिज़।